स्वागतरे आपणंकु हार्दिक स्वागत। बहुत कृतज्ञ मु आपणंकर सम्राट जे आपण मते मोर नातीर विवाह रे सम्मिलित होबा पई निमंत्रण पठेथिले। अनेक वर्ष पूर्वरु मो पुत्री हेलेना आउ जस्टिन को देखिथिली। मो बुझी पारुछि आउ सेथि पई राजमाता जेबे आपणंकु निमंत्रण जणैबार विचार व्यक्त कले तेबे मु ताकु तांकर आदेश मने करी आपणंकु निमंत्रण जणै। मो तरफरु उपहार प्रस्तुत करा जाउ। युनानर उत्कृष्ट अंगुर मदिरा आउ युनानी अंजीर केवल आपणंक पई। एते वर्ष परे भी आपणंकर स्मरण अछि जे मोर ये अत्यंत प्रिय बोली। आपणंक पसंद नापसंद को स्मरण रखिबा मो पई गौरवर कथा सम्राट। पुत्री हेलेना पेजीरेस पुत्री एक क्षण प्रतीक्षा मुख्य जानी केते वर्ष रु करी आसुछि। मु मध्य जेबिति मते जस्टिन रो विवाह रो समाचार मिलिला मु ताउ रही परलिनि। जस्टिन पुत्र ये तुम दुई को पाई एहा मो युनानी धर्म रे विवाह रो देवी हेरांको प्रतीक आशीर्वाद। ये पुत्र जे तुमर वैवाहिक जीवन सबुबले खुशी रे पूर्ण रहो आउ तुम दुई को स्वप्न सर्वदा पूर्ण हो। स्वागतम 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 उपहार तो मोर दबा उचित। मो कन्या पक्षर व्यक्ति ना मते अतिथि बोली भावंतुनि। जस्टिन रो अजा होइथिबा जोगु मोर भी किछि कर्तव्य अछि हक अछि। अवश्य अजाश्री मोर आ अग्निशिखा पई एठी गोटे नुआ भवन निर्माण होउछि। जदि आज शिलान्यास आपणक हाथ हुआ तेज मत एमती लगता जमी आम को आपण आशीर्वाद मिलगला। जदि सम्राट आज्ञा हुए तेज अवश्य भ्राता जस्टिन मोर भी से इच्छा अच्छे जे शुभ कार्य आपण करकमल हो। इतिहास पृष्ठ से आज दिन मगध पई एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन बोली मन करा दिबो। किंतु आम को सचेतन हो देखा हम जे ये दिन मगध साम्राज्य को भविष्य में क्यों दिग आड़ नहीं। प्रणाम आचार्य आपण को देखा पर बीती जाइथिबा अतीत पुनर्जीवित हो उठुचि। किछि हेले भूली नाही मु किछि भी नुहे। भूलिबा भी उचित नुहे कारण ए न भूलिबार प्रक्रिया मनुष्य मानंकु भूतकाल रे करिथिबा भूल को पुनरावृत्ति करिबा को बाधा देथाय। सत्य कहिले आपण मु पुरुणा भूल रो पुनरावृत्ति करिबिनी। निश्चिंत रहंतु। भूमि पूजनर समय हे गलानी आम को प्रस्थान करिबा उचित। अवश्य राजपवन पाटलिपुत्र सबुठ सुंदर भवन मध्य हम
उज्जयिनीर शिल्पकला अतुलनीय। खाली शिल्पकला नुहे सेठिकार सुंदरता भी अतुलनीय। भ्राता मु काली रे प्रतियोगिता पई अति उत्सुक। मु भी मत आचार्य चाणक्य को सूचित करने को हम जो अशोक को मो जीवित थिबार सत्य ज्ञान तो हो सारी मु राजकुमार द्रुपद को जल दे आसुची। शिलान्यास आग को आसतु। जस्टिन मत साय कर जहाँ राजमहल तो तुमरी निर्माण कर मगधर सबु शत्रु मगधर मित्र हो सारे से मध्य बिना कौन रक्तपात एवं आपड़ चिंतित कहीं ठीक अच्छे राजकुमार जस्टिन विनाश निमंते रक्तर नदी नुहे संक्रमित रक्त बिंदु भी जथेष्ट होइथाय। सारा दुनिया रक्त झरवा को शुभ लक्षण माने करा जाए ठीक ने प्राथिवरस। हाँ सत्य कहो छो तमे। अशोक ठू ए वचन नहीं कथा कहा को भी कहबानी किंतु मु बहुत चिंतित अच्छी मत भय लगुच से आवेगर सबकि न कहीदे मत भय लगुच जीवित थी सत्य सम्राट को न कहीदे। आप निश्चिंत रुहतु देवी मु अशोक को बुझे देवी। अशोक को शांत करिबा अत्यंत आवश्यक। आपणंकु भेटिबाकु आसीथिली आचार्य। तमर मातांक ठो मते सबु किछि ज्ञान तो हि सारिछि अशोक। समस्त मगध जानिछि आचार्य जे आपण केते शक्तिशाली केते ज्ञानी। समस्या जेते जटिल होउना काहेकि आपण ताकु निज बुद्धिमत्तारे समाधान करंती।
संपूर्ण मगधरे आपणंकटु अधिक शक्तिशाली पद आउ कहारो नाही। तेणु आज मु आपणक पाखकु निजर एक समस्या नहीं आसी, आपण कण मते साहाज्य करिबे? आपणक पाई मते आउ मो माताकु पाटलीपुत्र आसीबा पाई बिवश होबाकु पड़ीथिला, परस्पर ठु अलग होबाकु पड़ीथिला। माँ आपणकु वचन देथिले आउ मु तांकु जे मु तांको वचन केबे भी भंग होबाकु देबिनी, आउ आजि चाहे मु तांको वचन रक्षा करिछि, किंतु आजि माँ मोठु सही वचन नेले जहाँकु संसारर कौनसी पुत्र रक्षा करिपारिबनि। माँ चाहुचंती जे एहा जानि सारिबा परे जे से जीवित अछंती मु तांकु मृत मने करिबि। आज मु आपणकु वचन दौचि आचार्य जे आपणक जोगु मते आउ मो माताकु जेते भी दुख भोगिबाकु पड़िछि से सबु पाइ मु आपणकु क्षमा करिदेबि, जदि आज आपण मो माँकर सेई विवशताकु दूर करिपारिबे चौथि पाइ से मते तांकु मृत मणिबाकु कहउछंती, मो आजीवन आपणक कृतज्ञ होइ रहिबि, ऋणी होइ रहिबि। मु आपण एतिकि उपकार करिबे, आपण कण मते साहाज्य करिबे? नाही, मु तुमर सहायता करि पारिबे नै। जदि मगधर सबुठु शक्तिशाली सबुठु ज्ञानी आचार्य चाणक्यंकर मते साहाज्य करिबार सामर्थ्य ही नाही, तबे मु भी आजिठु पण करुछि जे मु निजे एते शक्तिशाली हेबी जे मते कार सहायतार आवश्यकता पड़िबनि। आपणकठु भी अधिक शक्तिशाली हेबी, मु एते शक्तिशाली हेबी जे मगध माटीरे कोनोसी भी मा एभळी भाबे पुनस्थ विवश हेबो नाही, कोनोसी भी संतान निज जीवित माकु मृत मने करबाकु विवश हेबो नाही, आउ का उपरे भी अन्याय हेबाकु देबी नाही। चाहूँगी अशोक आचार्य आचार्य आपण सबुबले मगध पई आउ मगधर भविष्यत पई कठोर निष्पत्ति नेछंती, किंतु आज आपण को प्रथम थर कौनसी व्यक्ति पई इते भावप्रवण दुर्बल देखुची। एबे जहाँ किछि भी हेला सेथिर अशोक मनरे आपण को प्रति घृणा आहुरी बढ़िगला, तेबे कोन एहा उचित हेला आचार्य? उचित अनुचितर प्रश्न ये नुहे राधागुप्त, जदि मते घृणा करि अशोक आहुरी भी शक्तिशाली हो जाए तेबे तो नियति पाखरे ताकु पहुंचेबा पाई मु भी सबु बलिदान स्वीकार करिबे। कहिके ना मु जानिछे तार नियति हे मगध साम्राज्य निमन्ते भारतवर्ष निमन्ते आउ मानवतार भविष्यत निमन्ते शुभप्रद हब। ज्ञान तो उचित नुह जे मु जीवित अछि, वचन दियो मते। काहे की मां, काहे की
ଅଶୋକ ତମେ ଏଠି ତମେ ଠିକ୍ ଅଛ ତ? ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ସମ୍ରାଟ। ଜଣେ ମିତ୍ରକୁ ସବୁ ଜଣାଥାଏ ଅଶୋକ, ଯେ କେତେବେଳେ ତାର ମିତ୍ର ତାଠାରୁ ନିଜର କଷ୍ଟ ଲୁଚଉଛି। କ'ଣ ସମସ୍ୟା ତମର? ସମସ୍ୟା ଯାହା ବି ଥାଉ ସମ୍ରାଟ, ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି ଯେ ତାର କୌଣସି ବି ସମାଧାନ ନାହିଁ। ଅଶୋକ, ଜୀବନର ଏକ ବିଚିତ୍ର ତଥ୍ୟ ଜାଣିଛ, ଯଦି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତେବେ ତାର ସମାଧାନ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି। ଏ ସମସ୍ୟାର ସତରେ କୌଣସି ସମାଧାନ ନାହିଁ। ମୋତେ କୁହ ଅଶୋକ, ମୁଁ ବି ତ ଜାଣେ ଯେ କ'ଣ ସେ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଏଇ ଆଶା କରିବି ଯେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସମାଧାନ କରିବେ। ତଥାପି ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ସମାଧାନ ନ କରିବେ ତେବେ ମୁଁ ନିରାଶ ହୋଇଯିବି। ମୁଁ ଏକଥା ବୁଝିପାରୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ତମର ସମାଧାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କରି ନ ପାରିବି ତେବେ ମୁଁ ସେହି ସମସ୍ୟାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖେଇବାର ପ୍ରୟାସ ତ କରିପାରିବି। ବେଳେବେଳେ ସମସ୍ୟା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଦୁଃଖ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନର ବୋଝ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇଥାଏ। ଅଶୋକ, କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଆମର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଆମକୁ ସେଇଆ କରିବାକୁ କହିବ ଯାହା ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନା, ତେବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ସମ୍ରାଟ? ଯଦି ଆମର ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତେବେ ତାର ସମାଧାନ ତ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ଅଶୋକ, ବିନା କୌଣସି ଆଶଙ୍କାରେ ଦୁଇଧାରେ ଆମେ ତାହା କରିବା ଉଚିତ। ତମର କ'ଣ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ମୋତେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦରକାର। ମୁଁ କିଛି ବି କହିପାରିବିନି, କେବଳ ଏତିକି କହିପାରିବି ଯେ ତମକୁ ମୋତେ ମୃତ ଭାବି ନେବାକୁ ହବ। ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ବି ଏହିଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମରି ବୟସର ଥିଲି। ମୋ ପିତା ଶ୍ରୀ ମହାନ ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ ଏକ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ସମ୍ରାଟ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ସମ୍ରାଟ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ କ'ଣ କରିଛି ପିତାଶ୍ରୀ? ୟାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ ବିନ୍ଦୁସାର। ନାହିଁ ରାଜକୁମାର, ମୋତେ ମାରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନର ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ, ୟାର ଦୋଷ କ'ଣ ପିତାଶ୍ରୀ? ତମେ କେବଳ ମୋ ଆଦେଶର ପାଳନ କର ବିନ୍ଦୁସାର, ତୀର ଚଳ। ସେହି ସମୟରେ ମୋତେ ଏଇଆ ବୋଧ ହେଲା ଯେ କିଛି ବି ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମୋ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେ କେବେ ବି ମୋତେ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହିନଥିବେ। ମୋ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ, ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଉପରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ କରିନଥିଲି, କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠେଇଲି। ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ କାହାର ପ୍ରାଣ ନେଇଥିଲି ସେଦିନ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାଣ ନେବା ପାଇଁ କାହିଁକି କହିଲେ? ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସାମାନ୍ୟ ଭୂମିର ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଏକଥା ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି କହିଲେନି? କାହିଁକିନା ସେ ମୋତେ ପରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମୋର ତାଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏ
सब मु तमरे पे करिछि पुत्र तमर सुरक्षा पे तमर उज्जवल भविष्य पे तुम पाखे थी तुमको ए दुख सहुवर देखु थी मुझे पारिनी जो मुझे जीवित अच्छी मुवश थी पुत्र कौटि हजिगल अशोक किसी ना सम्राट बस एमती लगुच द्वंद दूर हो जा किंतु एमती द्वंद्व तुमको किए पकईदेला निहाती निज लोक जड़े जहा पर क्षण विश्वास तुटी जाता किंतु एबे ता फेरी आसला तबे चलो मो सहित किंतु कुआडे भोजन करने को मोर इच्छा जे आज भोजन तमे मो सहित ग्रहण करिबो जदि मु सम्राट सांगरे जाए तेबे प्रतियोगिता आरंभ होबा पूर्वरु मु मो मां को भेटी पारिबिनि कण सम्राट बनराज मो निमंत्रण स्वीकार करिबेनि ये व्यंजन मु तुमरी पई प्रस्तुत करिछि तुमको भल लगुच ना आउरी नियो नाई मा मुठ अधिक भोजन ग्रहण करि पारिबि नी किंतु तुम्हें मिष्टान तो खाई नहो दासी मिष्टान आनो नाई नाई मा मु आउ अधिक खाई पारिबि नी जमा जदि आहार संतुलित न हेबो तबे प्रतियोगिता रे विजय हबार शक्ति कोठो आसीबो आवश्यकता पड़ी था सुसेम दियो नाई प्रतियोगिता रे शारीरिक बल संगे संगे मानसिक बल मध्य रहिबा आवश्यक श्यामक आवश्यकता ठू अधिक भोजन आलस्य सृष्टि करिथाय सत्य कहिल राणी नूर से जाए तुम पुत्र कौन सी प्रतियोगित प्रथम स्थान पाईना मु भाविली जे मु निजे आसी राजकुमार सुसेम और राजकुमार सियामक दुही को प्रतियोगिता शुभकामना जनईबि मु तुम दुही विजय पर मंगल कामना करुछि अच्छा द्रुपद गोटे कथा कह तमें कहा को विजय हेबार देखा चाहछ मत ना राजकुमार सियामक को दी जन को किंतु विजय तो जड़े ही हम जनक नाम कह तमें मो आड़ को कहीं देखु जदि प्रश्न तुमको पचरा जा तबे उत्तर भी तो तुमको ही देवाक हम मो सेविका कहती अत्यधिक मीठा खाइबा स्वास्थ्य भल नुह आ रहा प्रश्न प्रतियोगित किए विजयी हम मुझे दीज हूँ कारण आप दीज जाक योग्य सम्राट बिंदुसार पदार्पण कर मते राजकुमार को पई कक्ष प्रस्तुत करिबार अछि आज्ञा दियंतु आश्चर्य हवार कौन अच्छे मु ही आज अशोक को मो सहित भोजन करने को आमंत्रण दे थी आस मित्र मो पाखरे स्थान ग्रहण कर सुसेम सुसेम कौन जाऊ सुसेम सुसेम मो कथा शुण सुसेम सुसेम कौन जाऊ सुसेम सुसेम भोजन मध्य भाव उठी चली जावा क्योंठिकार शिष्टता आउ सी भी सम्राट को सामने निज पिता को सामने मते शिष्टाचार शिक्षा देवा अपेक्षा भल हम जाए निज स्वामी को बुझाओ जे मोर आउ से तुच्छ प्राणी भितर कौन प्रभेद दिन परे दिन ता प्रति तांकर स्नेह आउ दया धर्म भी बढ़ी चली आज तो तुम्हें देखि नहीं थी मो समकक्ष रे बसई ताकु भोजन कराउचंती आउ दिने एमिति हे जाई पारे मां जे ताकु से सिंहासन रे नहीं बसई देबे
आउ तमे मते शिष्टाचार ही सिखे चली थी। सम्राट मुठी तले बसी भोजन ग्रहण करी किंतु अशोक मु आपण पाखे कृतज्ञ जी आपण मते एते सम्मान देले किंतु उच्च स्थान रे बसी भोजन ग्रहण करी पारे आनंद मिले ना। कृपा करी मते तले बसी भोजन ग्रहण करिवार अनुमति दियंतु। दासी अशोक को भोजन परसि दियो। पिताश्री मु आपन को कठिन प्रश्न पचारि बि अवश्य तमर कठिन प्रश्न रो उत्तर दबा पई प्रयास मु अवश्य करिबि। तेबे एक कथा कोंतु प्रतियोगिता रे के प्रथम अब भ्राता सुसेम ना भ्राता श्यामक वर्तमान किए विजयी हब एक कहिबा कठिन किंतु मु अवश्य कहि परिबि जहाँ मध्यरे एक सच्चा महाजोद्धार गुण थिबो जिए मातृभूमि रक्षा करिबा पाई योग्य से ही विजयी हब। अर्थात जिए विजयी हब से ही सम्राट हब। ए विषय रे मु एपर्यंत कौनसी निष्पत्ति नहींनी आउ सम्राट हेबा केवल एक प्रतियोगितार परिणाम उपरे निर्भर करी न थाए। सम्राटर योग्यता आउ विशिष्टता तार तो अनेक मापदंड रही था किंतु यह सत्य जे प्रतियोगितार परिणाम से मापदंड मध्यरु गोटिए अवश्य हब। मु आपनकु आउ गोटे प्रश्न पचारिबि ता पूर्वरु मोर एक प्रश्नर उत्तर तमे दियो तमर अभ्यास केमिति चलिछि। उत्तम अति उत्तम पिताश्री मु आपनकु देखेबि अवश्य। अति सुंदर बहुत स्वादिष्ट मा किंतु एबे मो पेट पूर्ण अछि। अति उत्तम द्रुपद तमे तो मोठु भी अधिक निपुण हो गलि तरबारी चलन अद्भुत अतुलनीय धन्यवाद प्रयास करने को चाहिए अवश्य आसंतु। क्षण एमती लगला जमी मुझे बाहु काटिदेली अत्यंत रोमांचक खेल। राजकुमारी प्रतियोगिता समाप्त होगा
मु आपनक सहित गोटिए दिन व्यतीत करबाकु चाहौछि एकांतरे मोर सौभाग्य हबा एकांतरे आपनक सहित आपनक विजयर उत्सव पालन करबा सुसेम केवल प्रतियोगिता रे ही नहि बरं उत्तराधिकारी हेबार दौड़ रे भी विजयी हेबा उचित महामत्य अवश्य महाराणी ईश्वरंक कृपारु सेया ही हब ईश्वरंक कृपा को भरोसा करी मु रही परिबिनी महामत्य जदि मते एथर ईश्वरंकर इच्छा विरुद्ध रे भी जीवाकु पड़े तेबे भी मु जीवी कारण ए वर्ष सुसेम पाई निर्णायक वर्ष गोटे पटे नूर सियाम को उत्साहित करुचित अन्य पटे आचार्य चाणक्य से अशोक को आमको सजग रहिबाकु हबो एथिरे आपनकु मते संपूर्ण सहायता करिबाकु हबो एथिरे मु कोन आपनकु सहायता करि परिबि महामात्य एकथा बुझि परुनि जे ए प्रश्नकु मु आपनकर दुर्बलता मने करिबि बा आचार्य चाणक्यंक प्रति आपनकर कृतज्ञता जे सी आपनकु महामात्य हेबार सुजोग दैछंती आपण केबे बुझिबे महामात्य जे जदि आपण शीघ्र किछि न करंती तेबे दिने आचार्य चाणक्य मगधर संपूर्ण नियंत्रण निज हातकु नै जिबे आ आपण आपण केवल काठ कंढेई हेई तांकर निर्देश माने नृत्य करि चालिबे भूली जांतुनी महामात्य जे इतिहास केवल तांकु ही स्मरण रखिथाय जे इतिहास सृष्टि करंती अन्य कहार कोनोसी महत्व नथाय आउ आपण कोन चाहंती जे भविष्यतर पीढ़ी माने आपणकु न जानंतु क्षमा करंतु महाराणी गोटे सीमा रही थाए मु से सीमा पर्यंत तो जाई परिबी किंतु आचार्य चाणक्यंक परि से सीमा को लंघन करिबा मो पई संभवपर नुहे सम्राटंक निष्पत्ति उपरे आचार्य चाणक्यंकर केते प्रभाव रही थाए एक कथा काहाकु अजणा नुह आउ कथा रहिला राजकुमार सुसेम को उत्तराधिकारी घोषित करिवार तेबे ए निष्पत्ति तो स्वयं सम्राट ही नेबे सेथिरे मोर कोन भूमिका अछि सम्राटंकु सुसेम पक्षरे निष्पत्ति नेबा पई प्रभावित करबाकु हबो आपनंकु जेबळी भाबे आचार्य चाणक्य सम्राटंकु अशोक पक्षरे निष्पत्ति नेबा पई निरंतर प्रभावित करि चालिछंती ताहा अशोकर राजकीय विद्यालय रे प्रवेश हो बा निजर पुत्र मानंक पाखरे बसी भोजन करिबार निमंत्रण महामात्य मु चाहूचि जे प्रतियोगिता समय रे सम्राट मन स्थिर करंतु जे जदि ए प्रतियोगिता रे सुसेम विजयी हि जीव तेबे से ताकु उत्तराधिकारी घोषणा करि देबे प्रतियोगिता समय रे सम्राटंकु आचार्य चाणक्यंक ठु बि अधिक प्रभावित करिबे आपण मगधरे निजर भविष्यत सुरक्षित करिबा पई आपण कोन एतिकि बि करि परिबनि महामात्य किंतु जदि राजकुमार सियामक विजयी होंती तेबे सेमिति हेबो नाही महामात्य कारण मु सुसेमकु केवल विजयी हेबा ही सिखैछि सेथिपई ताकु कोनोसे भी मूल्य देबाकु पड़ु पछके विगत दुई वर्षरु सुसेम ही विजयी होई आसुछि आउ ए वर्ष से ही हबो जय पराजयर चिंता आपण करंतुनि महामात्य आपण केवल निज कार्य करंतु अशोक सहित बढ़ाओ किंतु मा जेबे पिताश्री सुम अशोक एत प्रशंसा करुंचे सम्मान दौंस तेबे तुमर एत आपत्ति कहीं मोर आपत्ति एथिपाई अछि कारण तमे एबे बहुत सान आउ तुम हृदय कोमल निष्पाप सहजरे का उपरे भी तुम्हें विश्वास करि जाई परिबो आउ गोटे माँ होइतिबा दृष्टि मु चाहू नहीं जे तुम हृदय भांगु तुमर विश्वास भांगी जाओ बा तुमको कष्ट हो जे साहस हेय थाए जहार निज उपर विश्वास थाए ताकु कष्ट प्रति भय लागेनी प्रतियोगिता रे तुमर प्रदर्शन बहुत भल थिला विजय हेथिबारु अनेक शुभकामना मोर विश्वास अछि जे तमे सिद्ध करि दबो
যে যোগ্যতা বয়সরে ন থাকে কিন্তু ইচ্ছা শক্তি সমর্পণ আর অভ্যাস দ্বারা হি অর্জন করা যায় ঠিক না অবশ্য যাই কি প্রস্তুত হই যাও শ্যামক যা রানী নূর তোমার স্পর্শ রুসি সে উজ্জয়িনীর রাজকুমারী অগ্নিশিখর গন্ধ আসুচি নূর পুনি কোন হেলা মতে পচারুছ কোন হেলা জিবে তুমি মো আড়কু চাহুছ না মতে এমিতি লাগুচি যে সে অগ্নিশিখর দেহ গন্ধ মো আড়কু মাড়ি আসুচি ঘৃণা লাগুচি মতে তোমাকু নূর অচানক এমিতি কোন হেলা আম ভিতরে তো সব ঠিক থিলা আরে মু এমিতি কোন করদেল মতে বি তো কহ এ কথা তুমি মতে পচারুছ লাজ লাগুনি তোমাকু যদি ভালো পাউচি বিশ্বাস আছে তাহলে লাজ কাই করিবি ভালো অভিনয় করিবাকু লাগিলনি রাজকুমার জাস্টিন কিন্তু মু সব জানিছি সব দেখি সারিছি কেমিতি এতে বর্ষর প্রেম বিশ্বাসকু তুমি সে অগ্নিশিখার বাহুবন্ধনরে পড়ি পাউস করিদেল চমৎকার নিজ মার কোলর ওলেইল সে অগ্নিশিখার কোলরে যে বসিগল নাই মু কেবে চুপ রহিবিনি রাজকুমার জাস্টিন মু সব কিছু নিজ আখিরে দেখিছি আউ আখি যাহা দেখে সর্বদা সত্য হি হইতায়ে হ্যাঁ তাহা সত্য থিলা কিন্তু সত্য আউ কিছু বি থিলা যাহা তুমি দেখি পারলনি মু তা পাখকু যাই হি পারলিনি কারণ মো হৃদয়রে মো মস্তিষ্করে কেবল তুমি আছো আউ এহা হি সত্য আম সম্পর্কর সেই প্রেমর যাহা উপর তুমি বারম্বার বিশ্বাস হরাই দৌচ তোমাকে তো ভালোভাবে জানা থিলা না নূর যে মু বিবশ হই এ বিবাহ করুছি মো মাতাঙ্কু শান্ত করিবা নিমন্তে মতে সে অগ্নিশিখা সহ অভিনয় করিবাকু পড়ুছি মতে লাগুতিলা যে মোর এ যাতনারে তুমি মো সাথিরে রহিব কিন্তু নাই আজি তোমার এ কথা শুনি মতে লাগুছে যে মো কেতে একাকী হনর এবে তো মু বি কহুছি যদি তোমার মো প্রেম উপর বিশ্বাস নাহি তাহলে সম্পর্কর ভবিষ্যৎ নাহি এসব কহি তুমি তো সিদ্ধ করিদেল যে তুমি সেই অগ্নিশিখা প্রেম করু না কিন্তু কেতেদিন রোকি পারিব নিজকে তার আকর্ষণর জাস্টিন কু নিয়ন্ত্রণ কর নূর কু নেই তার পাগলামি আম লক্ষ্যরে বাধা সৃষ্টি করিব পূর্বরু থরুটিয়ে হারিবার মূল্য দেই সারিছি মু আজি যায়ে ভুলি নাই তাকো চন্দ্রগুপ্তটু হারিবা পরে চাণক্য মো সামনারে শর্ত রখিতিলা যে যদি মু তোমার বিবাহ চন্দ্রগুপ্ত সহ করে তেবে সে মো সহ সন্ধি করিবে কেতে বিবশ থিলা সে পিতা যে সেদিন চন্দ্রগুপ্ত সামনারে ঠিয়া হই নিজ স্বাধীনতার ভিক মাগুথিলা নিজ পুত্রীর সৌদা করুথিলা মু মো নিজকু কেবে ক্ষমা করিনি তুমি জানি না পুত্রে চন্দ্রগুপ্ত যৌদিন সে প্রস্তাবকু স্বীকার কলা সেদিন তোমরে পিতা হাজারে থর মরিথিলা হাজারে থর কারণ তার সবুঠু প্রিয় পুত্রীকু সে শুলিরে চড়াই দেইথিলা মু বি সে অপমান ভুলি পারিনি কেমিছি মাছে নিজের পরিবার নিজের সংস্কৃতি নিজের ভাষাকু ত্যাগ করিবাকু হেলা শত্রুর ঘরকু নিজর ঘর ভাবিবাকু হেলা ইউনানি মতে ঘৃণা করিবাকু লাগিলে কারণ মু শত্রুকু বিবাহ করিথিলি আউ এছিবি মতে সেই সম্মান কেবে দিয়া যাই নাহি যাহা অন্য রানী মানকু দিয়া যাউছিলা এঠিকার লোকঙ্ক পাই মোর রাজ্য
ୟୁନାନୀ ଝିଳା, ସେଥିପାଇଁ କେବେ ସେମାନେ ମଜେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନରେ ଖୋଲା ମନରେ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି। ସର୍ବଦା ହିଁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିଲା ମୋ ଉପରେ। ମୂଷାତ୍ରୁଙ୍କ ଭଳି ହିଁ ଏଠି ରହିଲେ ମୁଁ କେବେ ମଗଜର ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ହେଇପାରିଲିନି। ଚାଣକ୍ୟ ମୋଠୁ ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ନୁହଁ, ମୋ ପୁତ୍ର ଜସ୍ଟିନ୍ଠୁ ବିଛାର ସମ୍ରାଜ ହେବାର ଅଧିକାର ଛଡ଼େଇଛି। ବିନ୍ଦୁସାରର ଶିରରେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପରାଜୟର ଅନୁଭବ ହେଇଥିଲା ମୋତେ, ତାହା ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ରକ୍ତର ରଞ୍ଜିତ ହାତରେ ମୁଖଣ୍ଡାର ମୁକୁଟ ଉଠଉଛି। ଏବେ ପ୍ରତିଶୋଧର ଶ୍ୟାମୟ, ଏ ସମସ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶକୁ ମୋର ମୋର ଆଉ ଜସ୍ଟିନ୍ର ଅପମାନର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ। ତମେ ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖି ପ୍ରସନ୍ନ ନୁହଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ୟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବିବି ରାଜକୁମାର ଜଷ୍ଟିନ? ବେଳେବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମିଶି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ରାଣୀ ନୂର୍ଙ୍କ କକ୍ଷରେ? ମୁଁ ଶ୍ୟାମକୁ ଶୁଭକାମନା ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଶୁଭକାମନା ଆଉ ବ୍ୟାକୁଳତାର କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି କି? ବ୍ୟାକୁଳତା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ବ୍ୟାକୁଳ ମୁଁ ଆମର ବିବାହକୁ ନେଇ ଅଛି। ଯେତିକି ଯେତିକି ସେ ଦିନ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ସମୟର ଗତି ଯେମିତି ଧୀର ହେଇଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନା ସମୟରେ ଏଇ ଧୀର ଗତିର ଲାଭ ଉଠାଇବା। ମୁଁ ନୌକା ବିହାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କ'ଣ ଆପଣ ମୋତେ ନେଇଯିବେ? ଧୀରେ ଧୀରେ ବିତୁଥିବା ସମୟର କିଛି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ କ୍ଷଣକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। ହଁ, ଅବଶ୍ୟ ଚାଲ। ଯଦି ଜଷ୍ଟିନ୍ ଆଉ ନୂର୍ର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତରୁ ଏ ଧାରା ଏମିତି ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଅତିଶୀଘ୍ର ଅଗ୍ନିଶିଖା ସତଟା ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ଏ ଭୁଲର ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ବି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ।